हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। आज 29 दिसंबर 2019 की सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दिन भर की दो बड़ी खबरें लेके आया हूँ। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट खबरें हैं, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही दिखाया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, और अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के इस रेड बटन को प्रेस करके साथ ही साथ हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप इस घंटे के निशान को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। चलिए आपको सीधा पहली न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। पहली न्यूज़ जो आ रही है, आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन है, जहां पर जो एम्प्लॉइज अगर उसके ट्रांसफर ऑर्डर हो जाते थे लेकिन उसको किसी रीज़न से, चाहे वो रीजनेबल रीज़न हो, उसके चलते जो उसको वहां पर जिस जगह पर वो ट्रांसफर होता था वहां उसकी सीनियरिटी लॉस होती थी, क्योंकि उस बीच में अगर कोई और नई रिक्रूटमेंट हो जाती तो वहां वो जूनियर हो जाता था। तो उसी के चलते नोटिफिकेशन आया हुआ है कि आपको हर हाल में उस रेलवे एम्प्लॉई को अगर आपका ट्रांसफर के ऑर्डर हो गए हैं तो आपको रिलीव करना ही पड़ेगा। तो उसी के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं, रिलीविंग ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज इन टाइम आफ्टर ऑर्डर फॉर ट्रांसफर इन केसेस ऑफ रिक्वेस्ट ट्रांसफर। आप देख सकते हैं इसी में सारी चीजें लिखी गई हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ सच इंस्ट्रक्शंस ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन इन एक्सिजेंस इन समटाइम्स बिकम्स डिफिकल्ट टू रिलीव द ट्रांसफर्ड एम्प्लॉई विद इन अ रीजनेबल टाइम, विच रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ सीनियरिटी टू द एम्प्लॉइज इन हिज न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग। द लॉस इज इवन ग्रेटर वैन ही गोज टू पोस्ट वन ग्रेड बिलो एंड न्यू रिक्रूट्स फ्रॉम सब्सिक्वेंट बैचेस जॉइन बिफोर हिम। तो आप देख सकते हैं अगर उसको रिलीव नहीं किया जाता उसके ऑर्डर होने के बाद में, तो उसके अगर इसी बीच अगर किसी का नई रिक्रूटमेंट हो जाता है तो वहाँ पर वो लोअर हो जाता है, आप देख सकते हैं ग्रेड में। तो उसी के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है, तो आपको उसी के हिसाब से रिलीव करना ही पड़ेगा, उसी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया हुआ है। चलिए दूसरी न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। दूसरी न्यूज़ जो है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया था, आतंकित क्वेश्चन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की तरफ से, जिसमें आप देख सकते हैं चार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं CGHS से रिलेटेड न्यूज़ है। क्या सरकारी कार्यालयों में कार्यरत सभी सरकारी कर्मचारियों को CGHS की सुविधा उपलब्ध है? दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या सरकार सरकारी स्कूल के शिक्षकों को यह सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है? दूसरा, तीसरा, यदि नहीं तो उसके क्या कारण है? तो आप देख सकते हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने इसका आंसर दिया। पहला आंसर है CGHS सुविधा इस योजना के अंतर्गत कवर किए जाने वाले क्षेत्रों में रहने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लिए उपलब्ध है। उनके परिवार के आश्रित सदस्य भी इस योजना के अंतर्गत सुविधाएं प्राप्त करने के पात्र हैं। जैसा कि आपको पता है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और उनके जो पेंशनर्स हैं वो इस CGHS का सुविधा का फायदा लेते हैं। दूसरा, उन्होंने बोला कि सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, उनको ये सुविधा प्राप्त नहीं की जा सकती। तो उन्होंने बोला जी नहीं, उसका रीज़न भी दिया है इन्होंने। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना प्राथमिक रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनर्सों, माननीय संसद सदस्यों, भूतपूर्व संसद सदस्यों एवं उनके आश्रितों के लिए, केवल कुछ अन्य श्रेणियों के लिए लाभार्थियों जैसे माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उच्चतम न्यायालय के जजों एवं पूर्व जजों तथा उच्च न्यायालय के पूर्व जजों एवं आदि कुछ स्वायत्त निकायों लागत आधार पर की CGHS सुविधा प्रदान की जाती। तो आपने इसमें ये क्लियर कर दिया उन्होंने कि जो टीचर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उनको जो है सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको यह सुविधा प्रदान नहीं की जाती। आपने इन्होंने ये भी बताया कि किन किन को सुविधा प्रदान की जाती है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी दोस्तों के साथ में। उसी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।